ईशपुत्र प्रणाम स्वीकार करें जी। जी प्रणाम जी। ये प्रश्न है आसनों को लेके। जी हर आसन की आरंभ करने की स्थिति होगी जी, तो उसको आरंभ करने की स्थिति और उसको संपन्न करने की स्थिति जी। हाँ। और साथ ही साथ में उसके जो पूरा जो व्यवहार है आसन के अंदर, दिशाओं का, रस का, स्वाद का और ज्योमेट्री का, प्राणायाम का जी, वो हर आसन के लिए सेम है, एक जैसा है या अलग अलग है जी? आसन की को हम तीन तरीकों से देख सकते हैं। एक, वो हिस्सा जहां से वो शुरू हो रहा है, जब हमने उसको करना शुरू किया, तो करने के बाद जब हम उसके मूल स्वभाव में आ गए, स्थिति में आ गए, वो मूल आसन हुआ। जब हम कर रहे हैं वो प्रगति है, और जब वो हो गया तब वो संपन्न है, और उसके पश्चात जब हम उस आसन को छोड़ रहे हैं तब वो क्षय है। तो आसन की ये तीन स्थितियां होती है। तो हमें प्रगति, जिस समय हम आसन कर रहे हैं उस समय क्या करना है, और जब हम आसन में पहुंच गए हैं तब क्या करना है, और आसन को जब हम छोड़ रहे हैं तब हमने क्षय के समय हमें क्या करना है। तो हर एक आसन को करने की अपनी एक विशिष्ट शैली रहती है, क्योंकि मैंने कहा कि हर एक आसन की श्वास की मात्राएं अलग अलग हैं, उसके बाद उसका स्वाद, गुण, तत्व, अव्यव, वर्ण, इस प्रकार से उसके जीव इत्यादि सभी अलग 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 होते हैं। तो प्रत्येक आसन को, यदि आपको वास्तव में आसन को समझना है तब तो आपको इसकी गहराई में उतरना ही पड़ेगा, लेकिन यदि आपको केवल उसकी उसका अभिनय देखना है, उसकी एक्टिंग, तो आप केवल उसके चित्र को देख करके कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ताड़ासन कर रहे हैं, तो आप अगर सांस दोनों नासिकाओं से लेकर सीधे खड़े हो जाते हैं, हाथों को फैला देते हैं, पांव को ऊपर ले जाते हैं और कहते हैं देखिए मैं ताड़ासन में हूं, तो ये ताड़ की एक्टिंग हो गई। लेकिन ताड़ासन करने के लिए अब कितनी मात्रा में श्वास रहना चाहिए, और किस तरह से पृथ्वी के साथ आपका संबंध रहना चाहिए, और कौन सा तत्व रहना चाहिए, कौन सा स्वाद, वर्ण इत्यादि रहना चाहिए, इन सब तत्वों का आपको ध्यान करना पड़ता है, और उसकी प्रैक्टिस यानी उसका अभ्यास गुरु के सानिध्य में रहकर करना पड़ता है। जब आपको इस चीज में महारत मिल जाती है, आप पारंगत हो जाते हैं, तभी हम किसी व्यक्ति को योगी कहते हैं। अब आप सोचिए कि मैं रेत के किनारे कहीं भी चला जाऊं और वहां शीर्षासन करने लग जाऊं, और 15 मिनट में 40-50 आसन एक क्रम में, जिसको सीक्वेंस कहते हैं, उस सीक्वेंस में कर डालूं, तो देखने वाले लोग कहेंगे वाह वाह कितने पहुंचे हुए योगी हैं ये, कितने बड़े महात्मा हैं ये, जबकि वो बकवास है, क्योंकि मैं वहां क्या कर रहा हूं, नौटंकी कर रहा हूं, किस चीज की, आसनों के सीक्वेंस को करने की, लेकिन वो योग नहीं हुआ। योग आसन कब होगा, वो जब मैं उस आसन को करते हुए भी किसी चीज से जुड़ा रहूं, कहीं किसी चीज के, किसी धारणा के साथ, किसी तत्व के साथ मेरा जुड़ाव रहे। तो वो जुड़ाव ही भीतर आपको कैसे पैदा करना है, अपने भीतर उससे परिवर्तन आए वो कैसे होना है, वो समझना जरूरी है, अन्यथा हम एरोबिक्स की तरह हो जाएंगे, क्योंकि वहां शरीर की प्रधानता है। और ध्यान रखिए, योग में शरीर की प्रधानता बिल्कुल से नहीं है। अन्नमय कोश अनिवार्य है, लेकिन जाना प्राणमय में है, फिर मनोमय में है, फिर विज्ञानमय में है, और अंततः आनंदमय में है। तो यदि आप इस तारतम्य को नहीं समझते तो योगासनों को आप सही तरीके से कर नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए योगासन जब भी करें तो कैसे शुरू करना है, कैसे मूल स्थिति में आना है और कैसे क्षय में जाना है, इस सब का ज्ञान होना चाहिए, और मध्य में होने वाले समस्त तत्वों का ज्ञान लेना जरूरी होता है, तभी आप योगासन कर रहे हैं, अन्यथा आप योगासन की एक्टिंग या केवल अभिनय कर रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम।